तो सबसे पहले जो फोक पेंटिंग देखेंगे वो मिथिला पेंटिंग है, इसको मधुबनी पेंटिंग भी बोलते हैं। मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग, तो सबसे पहला पेंटिंग होंगे मिथिला या मधुबनी। किस एरिया का है, तो बिहार का है, मधुबनी एरिया का है, ठीक है। और इसको क्या है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसको क्या है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग मिलने का क्या मतलब हो गया कि अगर कोई मधुबनी पेंटिंग करके बेचेगा तो वो मधुबनी एरिया का लोग ही बेच सकता है, राइट। वो कांगड़ा का भी है सर, शायद कांगड़ा का भी जीआई टैग होगा, नहीं रहे। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ऐसा है कि तुम भी पेंटिंग बना सकते हो, बट तुम उसको मधुबनी पेंटिंग करके नहीं बेच सकते हो, ठीक है। जीआई टैग का ये मतलब है। तो सबसे पहला हो गया मिथिला, मिथिला पेंटिंग कहाँ का हो गया, बिहार मधुबनी का हो गया, ठीक है। और इसमें मेनली क्या है कि इसमें एक चीज तुम देखोगे, अगर मिथिला पेंटिंग ऐसे सर्च वर्च मारोगे तो ये दो चीज देखोगे, एंगुलैरिटी देखो। एंगुलैरिटी इन द सेंस तुम हमेशा फ्रंट फेसिंग कभी भी फोटो कभी नहीं रहता है, क्या मतलब नहीं रहता है, ठीक है। हमेशा कैरेक्टर का मतलब नाम क्लियरली दिखना चाहिए, राइट, वो बात है। तो हमेशा एंगुलर दिख रहेगा फेस, हमेशा मतलब इस साइड में रहेगा, राइट। फ्रंटल कभी भी फोटो नहीं होगा, हमेशा फोटो ऐसे होगा, ऐसे करके रहेगा, राइट, ठीक है। तो वो चीज एक है। दूसरा क्या है, फिगर एकदम कहीं कोई प्रिटेंस नहीं है कि नेचुरलिस्टिक आदमी बना रहे हैं, राइट, कहीं कोई प्रिटेंस नहीं है, ठीक है, मतलब बना रहे हैं, ठीक है। मोस्टली क्या रहा है मिथिला पेंटिंग का एक और खासियत रहा है कि मोस्टली औरत लोग पुराने टाइम पे कैसा था कि मिट्टी का घर है, उसको गोबर से लीप दिया, उसके बाद उसके ऊपर जो है बना रहे हैं, ठीक है, चॉक वॉक से ये सब से बना रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं, कलर कर रहे हैं या नीम से बना रहे हैं। और खास करके इसमें मैरिज से इसको बहुत ओकेजन्स, रिलीजियस ओकेजन से मैरिज से रिलेट करते थे। और स्टोरीज वगैरह में ऐसा स्टोरी रहता था कि मैरिज का क्या प्रॉपर ट्रेडिशन होना चाहिए, क्या ड्यूटी होना चाहिए, उस टाइप का पिक्चर बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। और इसमें वही है कि माँ अपनी बेटी को मतलब ट्रेडिशन में ऐसे पास करते जाते हैं, ठीक है। और आजकल तो रिसेंट टाइम में पेंटिंग जो है कागज पे कपड़े पे बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है, काफ़ी पॉपुलराइज भी हो गया है, और ये करने की जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। और बस ये कहानी जो है हिंदू ट्रेडिशन रूटेड है, आदमी बनाते हैं, पेड़ पौधा भी बनाते हैं, सूरज चांद मछली जो मन में आता है सो बनाते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं, बस हिंदू ट्रेडिशन में रूटेड है। मोस्टली दीवार पे बनता था, ठीक है, खास करके सीता रामायण ये सब का जो है शादी ब्याह का कहानी ये सब ज़्यादा इसमें फोकस में रहता था, ठीक है। तो ये सारा है, ये हो गया मिथिला पेंटिंग। और रेलवे स्टेशन भी सर, अभी पूरा मिथिला मधुबनी का जो दरभंगा का जो रेलवे स्टेशन है, ऐसे मधुबनी या दरभंगा किसी एक, हाँ मधुबनी के रेलवे स्टेशन पे पूरा वो लोग इवन ट्रेन को भी वो लोग पूरा कवर कर रहे हैं, ये दिल्ली संपर्क क्रांति, संपर्क क्रांति को पूरा कवर किया, सब लोग लेडीज सारे, हाँ मोस्टली लेडीज के द्वारा होता है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड है, बट ट्रेडिशनली लेडीज के द्वारा होता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ कलमकारी। कलमकारी आंध्र प्रदेश का है, कलमकारी क्या है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मेजर पार्ट को ब्लॉक से पेंटिंग कर देते हैं, ठीक है, मेजर पार्ट को ब्लॉक से पेंटिंग कर दिया, और फाइननेस के लिए कलम यूज करते हैं। कलम किस चीज का, बांस का, रीड वीड का होता है, उसको थको चुको के मतलब आगे तुमने ब्रश बना लिया, राइट, तो उसको उससे करते हैं। और जो समझ में आ रहा है, मेन ब्लॉक तुमने पेंटिंग कर दिया, उसके फाइननेस देने के लिए मेन काम कौन होता है, कलम बैम्बू रीड वगैरह का यूज करके करते हैं यूज,
तो आंध्र प्रदेश में दो स्टाइल फेमस है, एक है तुमको मछलीपट्टनम स्टाइल और एक है श्रीकालाहस्ती स्टाइल। एक है मछलीपट्टनम स्टाइल, एक है श्रीकालाहस्ती स्टाइल। और ये मतलब ये भी ट्रेडिशनल पेंटर्स हैं, बाप अपने बेटे को बता के मतलब उस तरह से जाता है, राइट। और इसका टेंपल से ये क्लोजनेस है कि टेंपल के इंटीरियर को खूबसूरत बनाने के लिए या रिलीजियस यूज, इसके मतलब जो कलमकारी पेंटिंग के जो आइटम होता है उसका रिलीजियस यूज बहुत ज्यादा है। और इसमें क्या होता है कि एक कलर का पेंटिंग किया फिर उसको धोया, ठीक है, नदी में ले जाके फिर धोते हैं, फिर एक लेयर ऑफ पेंटिंग किया फिर उसको धोया, फिर एक लेयर ऑफ पेंटिंग, तो ऐसा होता है कि पूरा पेंटिंग बनते बनते वो मतलब करीब करीब 20-30 बार धुल जाता है, ठीक है, तो वो भी एक स्पेशलिटी है, ठीक है। मतलब सर पेंटिंग धोते मतलब डाई का होगा कुछ सिस्टम, ठीक है, डाई पिगमेंट कुछ हटाने के लिए, कुछ ये करने के लिए, ठीक है, जो एक्स्ट्रा कलर है वो हट जाए, कुछ ऐसा करके करते होंगे। तो इसमें जो खास करके था, पहली बात आंध्रा का है, रिलीजियस प्रोसेस से काफी क्लोज है, कपड़े पे होता है, ठीक है। और क्या होता है कि रिलीजियस प्रोसेस से यूज है, बाप को अपने बेटे को बता के जाता है, ट्रेडिशनल पेंटर्स हैं जो भी कलमकारी पेंटिंग करते हैं, ट्रेडिशनल पेंटर्स हैं, दो है मछलीपट्टनम स्टाइल है और श्रीकालाहस्ती स्टाइल है। और इसमें बेसिकली क्या है, एक लेयर ऑफ पेंटिंग हुआ उसके फिर उसको धोया, फिर दूसरा लेयर ऑफ पेंटिंग हुआ, तो कई बार पानी से धोते हैं, ठीक है, तो वो कलमकारी पेंटिंग है, क्लियर है, मिथिला क्लियर है, कलमकारी क्लियर है। अब आते हैं थार, THAD, नेक्स्ट आते हैं थार पेंटिंग। फार पेंटिंग क्या है, रिलीजियस स्क्रॉल पेंटिंग है, रिलीजियस स्क्रॉल पेंटिंग। स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, देखो अगर पुराने टाइम में राजा महाराजा का फरमान आता था तो ऐसे ऐसे खोलते थे और फिर लपेटते थे, राइट, तो उसको स्क्रॉल बोलते हैं, दैट इज स्क्रॉल। तो इसमें क्या करते हैं कि एक लंबा चौड़ा कपड़ा का ले लेते हैं सेट, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, अलग अलग सेगमेंट बना देंगे, एक टाइम पे एक कहानी डिपिक्ट हुआ, उसका नेक्स्ट सीन दूसरे सेगमेंट में, तीसरे सेगमेंट में तीसरा फोटो, तो इसमें क्या होगा, मतलब एक तरह से मूवी नहीं है तो मतलब उस टाइप का ट्रेडिशनल कि घुमा रहे हैं कहानी एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर घुमा रहे हैं कहानी एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब पूरा टोन रिलीजियस है, ठीक है। कहाँ का है, राजस्थान का है, रिलीजियस स्क्रॉल पेंटिंग है। तो लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ पे क्या होते हैं, सेगमेंट्स बांट के उसमें पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है। और क्या इसमें मेनली कहानी किनकी होती है, लोकल डेटीज की होती है, लोकल डेटीज, लोकल हीरो राजा, ठीक है, लोकल किंगडम, उन सब की कहानी होती है। और जो मेन स्टोरीज है वो राजस्थानी हीरो है प्रभु जी एंड देव नारायण जी, उनकी कहानी काफी कॉमन है इसमें, प्रभु जी एंड देव नारायण जी, हु आर कंसीडर्ड एज इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड लक्ष्मण, ठीक है। तो मतलब फार पेंटिंग क्या हो गया कि पेंटिंग बनाता है, लॉन्ग स्क्रॉल पे बनाता है, और क्या है कि इसमें लोकल हीरोज की कहानी हो गया, राजस्थान का हो गया, और इसमें भोपाल, भोपाल लिखो, भोपाल, भोपाल तो क्या है कि मतलब एक आदमी, दो आदमी तो स्क्रॉल कर रहा है, राइट, एक आदमी जो गा गा के इसको एक्सप्लेन करेगा उसको बोलते हैं भोपाल, ट्रेडिशनल सिंगर्स कॉल्ड भोपाल, who narrate the theme depicted on the scrolls, ठीक है, भोपाल are the ones who will illustrate the whole story, ठीक है। और वही है folk painting है, मतलब वही है, सामने एक दूसरे को देखता है, बाकी सब फ्लैट होता है, anatomical correctness सब, सब तो लिख ही लोगे, सब तो गप सप है, राइट, टू डायमेंशनल ट्रीटमेंट है, सब कुछ ही में समझ में आया कि नहीं आया ये पॉइंट। सर वो जो देखते हैं बायोस्कोप में लगभग, नहीं वो नहीं है, बायोस्कोप वाला तो अलग चीज है, ये तो ऐसे कि तुमको, तुम लोग सब आ गए एक सर, अब एक आदमी पर्दा ऐसे करो और हम भोपा बन के तुमको पूरा कहानी समझा रहे, ठीक है। तो बायोस्कोप तो मतलब हो गया कि चलचित्र टाइप का हो गया, दुकान में भी तो रहता है, हाँ, समझ में आ गया ये बात।
नेक्स्ट आ जाओ वर्डली पेंटिंग। नेक्स्ट क्या हो गया वर्डली पेंटिंग, ये कहां का महाराष्ट्र का ट्राइबल पेंटिंग है, ये क्या है महाराष्ट्र का ट्राइबल पेंटिंग है जो कि घर दीवार इस सब पे करते हैं और इसको यूजुअली रिलीजियस ओकेजन से खास करके से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। और ये पेंटिंग आपको जो है काफी क्लोज टू प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, काफी सिंपलिस्टिक पेंटिंग है, इसमें ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स यूज करते हैं, मतलब तुम ये आदमी हो गया राइट, इस टाइप से हाईली रिपीटेटिव होता है। और एक याद होगा अगर पिछले, अच्छा वो तो पिछले क्लास नहीं पढ़े, स्पाइरल वे में खुलता है, ठीक है, वो देखे होगे बहुत सारा आजकल लड़कियों के बीच, ये लड़की लोग समझती नहीं है बट एक्चुअली इट्स अ क्वाइट फेमस फैशन ट्रेंड आजकल इस तरह की पेंटिंग, किसी कोई कोई एक बार वर्डली पेंटिंग खोल के देखो, बहुत लोगों के मैंने कपड़े पे देखा है कि इस तरह का लोग डिजाइन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक और चीज है इसमें जो यूज है ना उसमें, मतलब आदमी कोर्टयार्ड, हाँ हाँ ये वाला है, ये देखो ये फर्स्ट पेंटिंग खास करके जो है ना इस तरह का तुम बहुत देखते होगे, क्या हुआ, हाँ 4000 पर पीस जो दिखा ना, तो वो है बड़ी तो बच्चा देख रहा ना, काफी सिंपलिस्टिक नेचुरल, बहुत कॉम्प्लेक्स पेंटिंग नहीं है राइट। इसमें एक और चीज, इसमें देवी देवता डिपिक्ट उपिक्ट नहीं करते हैं, रिलीजियस ओकेजन पे यूज करते हैं वो लोग, बट ऐसा सच मतलब देवी देवता वाला कॉन्सेप्ट ड्राइंग का नहीं है, देवी देवता को ड्रॉ नहीं करते हैं, ठीक है। बीच में भूकंप और कलर बताओ क्या होता है, अभी रेड है, रेड बैकग्राउंड व्हाइट से बनाते हैं, व्हाइट से बनाते हैं, रेड बैकग्राउंड व्हाइट से बनाते हैं, समझ में आ गया वर्ली पेंटिंग, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग हो गया, थर्ड पेंटिंग हो गया महाराष्ट्र का ट्राइबल पेंटिंग, वर्ली हो गया आंध्रा का, कलमकारी हो गया। अब नेक्स्ट लिखो उड़ीसा का पट्टचित्र, उड़ीसा का पट्टचित्र, ये जो है काफी पटचित्र जो है ओल्ड मुरास ऑफ उड़ीसा और हिंदू माइथोलॉजी और लॉर्ड जगन्नाथ के जो लॉर्ड जगन्नाथ का जो उड़ीसा में टेंपल है, मतलब उस सबसे काफी रूटेड है, मतलब वहां से उसका बेस है, राधा कृष्णा, मतलब कृष्णा का स्टोरी, विष्णु का स्टोरी, ये सब प्रोमिनेंट है इसमें, ठीक है। उड़ीसा का है कृष्णा ट्रेडिशन से, जगन्नाथ पूरी ट्रेडिशन जगन्नाथ के टेंपल से जुड़ा हुआ है, हिंदू माइथोलॉजी इम्पोर्टेंट है, राधा कृष्णा या विष्णु इनकार्नेशन इम्पोर्टेंट स्टोरीज हैं। अब इसको ये समझना पड़ेगा, पहली बात तो रिलीजियस है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कपड़ा लेते हैं, ठीक है। सिर्फ कलमकारी का कैसा था, कलमकारी का अगर तुम देखोगे तो इट वॉज जस्ट लाइक कि एक कपड़ा है और उस पर पेंटिंग बनाया हुआ है राइट, पानी से धो रहे हो सब कर रहे हो, कपड़ा है उसमें पेंटिंग बना है, वो तो क्लोथ पेंटिंग टाइप का है। उड़ीसा का पटचित्र अलग है, इसमें कपड़ा लेते हैं, उसके ऊपर जो है चौक गम ये सब का लेयर डाल के उसको खूब घसते हैं, चौक गम ये सब डाल के उसको खूब एकदम दोनों साइड पत्थर का यूज करके घसते हैं, तो उससे क्या होता है कपड़ा पे एक सोचो तो एब्जॉर्बिंग लेयर एक पतला सा उसके अक्रॉस बन जाएगा राइट, तो दैट एक्ट्स एज अ कैनवास, समझ में आ रहा है, कपड़ा पे तुमने गम डाला चौक डाला तो क्या होगा एक एब्जॉर्बिंग लेयर पतला सा उसके पत्थर वत्थर लेके मतलब पूरा चेस उसको मिक्स करते हैं,
घसते हैं तो उससे क्या होता है कैनवास बन जाता है, फिर उसको तुम सुखाते हो, फिर तुम उसके बाद उसके ऊपर चित्रकार, उड़ीसा में जो लोग इस पे पेंटिंग करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं चित्रकार, उसको क्या बोलते हैं चित्रकार, राइट। तो अब इसमें लिखने के लिए लिखा है कि दे आर सो एक्सपर्ट कि वो लोग डायरेक्ट पेंटिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है, बट ठीक है, मतलब वो सब बात बनने वाली बात है, मतलब हाँ तुम भी लिख सकते हो कि दे आर सो एक्सपर्ट कि वो लोग डायरेक्ट उस पर पेंटिंग शुरू करते हैं विदाउट बाहर का ड्रॉइंग वाइंग बनाने, ठीक है। तो चित्रकार बोलते हैं ट्रेडिशनली उड़ीसा के पटचित्र जो बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं चित्रकार। तो वो चित्रकार क्या करता है डायरेक्ट पेंटिंग शुरू करता है और जब पेंटिंग कंप्लीट कर लेता है, जब वो पेंटिंग कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसको क्या करते हैं कि एक लैकर, मतलब उसको प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, एक कोटिंग जो है लैकर कोटिंग उसके ऊपर डालते हैं और उसको धीमे धीमे आंच में आग के सामने रख के उसके धीमे धीमे ताप में उसको सुखाते हैं, तो उससे क्या हो गया प्रोटेक्शन भी हो गया और उसमें चमक भी आ जाती है पेंटिंग में। तो क्या क्या इसमें खासियत तुमने देखा, एक तो क्या हो गया उड़ीसा का है, कपड़े पे चौक गम वगैरह घस के उस पर एक एब्जॉर्बिंग लेयर बनाया, पेंटिंग किया उसके ऊपर लेकर उसको प्रोटेक्शन के लिए डाला, फिर उसको फायरप्लेस के सामने रखा ताकि वो सूख जाए, तो उससे क्या हुआ शाइन भी हो गया और प्रोटेक्शन भी हो गया। टेंपल ट्रेडिशन में रूटेड है, जगन्नाथ टेंपल और कृष्णा ट्रेडिशन में रूटेड है, ये हो गया उड़ीसा, इसको जो बनाते हैं उसको चित्रकार बोलते हैं, कलमकारी पेंटिंग में जो बनाते हैं उसको कलमकार बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ मंजूषा आर्ट, नेक्स्ट आ जाओ मंजूषा आर्ट, ये क्या है बिहार का भागलपुर एरिया का, बिहार के भागलपुर एरिया का फोक पेंटिंग है मंजूषा आर्ट, बिहार के भागलपुर एरिया का फोक पेंटिंग है मंजूषा, मतलब क्या है इसके गॉडेस ऑफ, तुम कह सकते हो कि ये बेसिकली सरपेंट गॉडेस के रेवरेंस में बनाया जाता है, ठीक है, और कुछ कुछ फोक ट्रेडिशन है, बिहला विषहरी कहानी, विषहरी या मनसा देवी को खुश करने के लिए ये सब बनाते हैं, ठीक है, सांप वहां बनाते हैं, समझ में आया। तो मंजूषा आर्ट बेसिकली क्या है कि सरपेंट गॉडेस को प्लीज करने के लिए वो आर्ट बनाते हैं और भागलपुर बिहार का है, ठीक है, ज्यादा याद रहा तो बिहला विषहरी के कहानी पे जो है बेस्ड है, ठीक है, और ये बेसिकली सांप वांप का पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया मंजूषा आर्ट। नेक्स्ट आ जाओ मंडना, मंडना आर्ट राजस्थान का है, ये भी दीवार वाल पे बनाते हैं, मंडना आर्ट कहाँ का है राजस्थान का है, ये भी दीवार वाल और मंदिर उंदिर पे बनाते हैं और इसमें सिमेट्री पे फोकस होता है, ठीक है, बोथ साइड सिमेट्रिकल रहने पे फोकस होता है और वही है कि बैकग्राउंड तैयार करके फिर लाइन या चौक पाउडर से व्हाइट कलर का पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, मंडना आर्ट। लोकेशन याद रहे, बाकी तो बाकी ऐसा नहीं होगा कि मंडना आर्ट के बारे में मेंस में लिखने आएगा, ठीक है, प्रीलिम्स में आ सकता है, बाकी के बारे में थोड़ा बहुत आ सकता है, मिथिला कलमकारी पटचित्र सब के बारे में आ सकता है लिखना। फिर नेक्स्ट आ जाओ पिछवाइस, पिछवाइस भी राजस्थान का है, पिछवाइस का मतलब पीछे हो गया, इसमें क्या होता है टेम्पल डेटी के पीछे कुछ कवर करने के लिए तुम जो बनाते हो वो फोक ट्रेडिशन में बनाते हो, उसको पिछवाइस बोलते हैं। तो कृष्णा का, कृष्णा तो काफी कॉमन है राजस्थान के लिए, तो वो है पिछवाइस, पिछवाइस भी राजस्थान का है, फोक ट्रेडिशन का है और कृष्णा की पेंटिंग काफी कॉमन है, हो गया। तो ये हो गया तुमको फोक पेंटिंग, ठीक है। अब एक चीज मैं बताना चाह रहा था, ब्रिटिश इंपैक्ट ऑन पेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश का इंपैक्ट ऑन पेंटिंग, ऑलरेडी हम लोगों ने हल्का सा जहांगीर वाले पीरियड में देखा था, ठीक है, क्या क्या यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग का इंपैक्ट था, तो इसको फोक पेंटिंग से ऐसे कोई मतलब नहीं है, ब्रिटिश ने जो बताना है, बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है पेंटिंग हिस्ट्री का हमारा। तो
तो ये है ब्रिटिश स्टाइल ऑफ, ब्रिटिश का इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, ब्रिटिश एडवेंट के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ। तो सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि इंडियन पेंटिंग ब्रिटिशर्स आने से पहले फ्लैट हुआ करता था, राइट। थ्री डायमेंशनल दिखाने का कोशिश, पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव की बात किए थे एक बार, और पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि जो चीज ज्यादा दूर है उसका वो डेप्थ फील होना चाहिए तुम्हें, राइट। तो वो पर्सपेक्टिव है, तो वो इंडियन ट्रेडिशन में थ्री डायमेंशनल दिखाना, शेडिंग करना, पर्सपेक्टिव दिखाना इंडियन ट्रेडिशन में नहीं था। हालांकि मुगल्स के आने के बाद इंडियन पेंटिंग्स काफी मॉडिफाई हुई थी, मोर नेचुरलिस्टिक हो गया था। एट द सेम टाइम क्या था कि ड्राइंग में रिफाइनमेंट आ गया था, बट ये सारे एस्पेक्ट नहीं आए थे। क्या क्या एस्पेक्ट नहीं आए थे? थ्री डायमेंशनल, शेडिंग और पर्सपेक्टिव, ये नहीं आए थे। तो ब्रिटिश का सबसे पहले आने का इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि पर्सपेक्टिव एंड शेडिंग शेडिंग से थ्री डायमेंशनलिटी आ जाएगी। दूसरा रियलिज्म, रियलिज्म इन द सेंस कि अभी भी मुगल पेंटिंग में काफी रियलिज्म आया था। इंडियन वाला का क्या था, पहले बैकग्राउंड को कोई फोकस ही नहीं था। मुगल आने के बाद क्या हुआ, बैकग्राउंड पे फोकस बढ़ा, बट ब्रिटिशर्स आने के बाद बैकग्राउंड जैसा दिखता है एग्जैक्टली कोशिश होने लगा वैसा दिखना है, समझना है। तो नेचुरलिज्म बहुत इंप्रूव हुआ, ठीक है। तीसरी बात है ऑयल पेंटिंग, यूज ऑफ वाटर कलर, ये सब भी इन लोगों ने काफी मतलब इंप्रूव किया। अच्छा, अब आते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे पेंटिंग बनवाए। तो दो तीन चीज पेंटिंग में उनका दिखता है। एक लैंडस्केप पेंटिंग काफी दिखता है, जैसे ब्रिटिशर्स आए थे तो उनके लिए काफी अजूबा जगह था शुरुआत में, राइट। तो लैंडस्केप पेंटिंग की कैसा दिख रहा है, घाट है ये, टेम्पल, मतलब लैंडस्केप का पेंटिंग काफी, जैसे मतलब इंडियंस वालों के लिए ठीक है यार, ठीक है घाट है, क्या दिक्कत है, ठीक है। बट तो उन लोग के लिए मतलब थोड़ा सा डिफरेंट लगा, राइट। तो उन लोग लैंडस्केप का पेंटिंग बहुत सारा उसमें बनाए थे, ठीक है। एक ये उनका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन क्या मतलब कह सकते हो कि मतलब जो शुरुआती फेज था उसमें ये उनका ओरिएंटेशन था। दूसरा जो एक और है वो है हिस्ट्री पेंटिंग। हिस्ट्री पेंटिंग का क्या मतलब, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहा है, राइट। बक्सर की लड़ाई में जीते हैं, ठीक है, तो अब संधि हो रहा है, कोई सब्सिडियरी अलायंस हो रहा है, राइट। तो इंपॉर्टेंट इवेंट को उस वक्त तो कैमरा था नहीं कि चलो कैप्चर कर लो, तो एकदम मतलब लोग उसका फोटो बनवाना है। और उसका टोन कैसा रहा था, ऑब्वियसली टोन कॉलोनियल टाइप का रहेगा, जिसमें कि मतलब अंग्रेज ऑफिसर को काफी महत्वपूर्ण मतलब दानी टाइप का दिखाएगा, और इंडियन राजा को झुका हुआ, दबा हुआ, दबू टाइप का दिखाएगा, राइट। तो हिस्ट्री पेंटिंग, लैंडस्केप, ये सब काफी तुमको देखने को मिलता है, राइट। अब आते हैं एक स्पेशल पेंटिंग जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कंपनी पेंटिंग। अभी तक जो लैंडस्केप हिस्टोरिकल पता है वो मतलब जस्ट एक वैरायटी है, राइट, कि मतलब इस तरह का पेंटिंग वो लोग करवा रहे थे। बट जो ये है कंपनी पेंटिंग, एक स्पेशल टाइप का पेंटिंग है। कंपनी पेंटिंग से समझो ऐसे कि तुम यहां से वापस जाओगे, तो जैसे कि तुम जाते हो, तुम कहीं जाते हो विदेश, तो वापस जाते हो तो क्या करते हो, कुछ कुछ सवेनियर ले जाते हो, एक्सप्लेन करने के लिए कि ये ऐसा है, वो वैसा है, राइट। अब यहाँ से कोई ऑफिसर वापस जाएगा तो कैसे एक्सप्लेन करेगा, अरे कास्ट सिस्टम है वहां पे, क्या बताए, अरे साधु ऐसा होता है, कैसे बताएगा, स्नेक चार्मर से कैसे बताएगा, राइट। तो इसको ऐसे सोचो, उन्होंने फोटो बनवाना शुरू किया जिसमें बेसिकली फोकस बैकग्राउंड और किसी चीज पे नहीं, फोकस है कि इसको सैंपल में कैप्चर कर लें। तो विदाउट हैविंग ए कंसर्न फॉर द बैकग्राउंड या नेचुरल सेटिंग, जो चीज एग्जॉटिक हमको हाईलाइट करना है केवल उसका पेंटिंग बनवा लिया, समझ में। तो इसको बोलते हैं कंपनी पेंटिंग, खास करके शुरुआती फेज में पोर्ट सिटीज में, क्योंकि ब्रिटिशर्स मोस्टली पोर्ट सिटीज में आए थे, तो उनके पेट्रोनेज में उस पर काफी काम हुआ था, ठीक है। तो जैसे इसके बारे में लिखा हुआ है कि इन कंपनी पेंटिंग्स पीपल आर पेंटेड अगेंस्ट एम्प्टी स्पेसेस,
we get no idea of the social surrounding within which they lived or worked. The paintings try to identify some of the visible features. क्या विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको खास करके तुम हाईलाइट करो। तो साधु बनाना है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाया, पंडित टिक्का उक्का लगाया, राइट, उस टाइप का। तो वो दैट इज ओके। तो ये हो गया तुमको क्या कंपनी पेंटिंग, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेंटिंग, कालीघाट। कालीघाट ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश के कारण शुरुआत हुआ था, कालीघाट पेंटिंग ऑलरेडी था, but it evolved under the influence of Britishers, ठीक है। तो कालीघाट पेंटिंग है इसके बाद। तो कालीघाट पेंटिंग क्या है, कालीघाट जो कलकत्ता में है वहां पर अपना जो काली जी का टेम्पल है, ठीक है, और वहां पे पेंटिंग गॉड गॉडेस का लोग पहले से ही बनाते रहे, और वही इंडियन टिपिकल पेंटिंग है, तो मतलब टू डायमेंशनल है ये सारा जो भी है वो वैसा है। बट ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या हुआ, उसमें इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, बंगाल की सोसाइटी में चेंज आया। बहुत सारे लोग क्या हो गए, बंगाल इंग्लिश कल्चर अपनाएंगे, ब्रिटिशर्स का ब्रिटिश कल्चर अपनाएंगे, दारू पीना शुरू कर दिए, मांस मछली खाना शुरू कर दिए, अंग्रेजों की तरह रहना शुरू कर दिए, राइट। तो उस चीज पे क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। तो बंगाली कालीघाट पेंटिंग जहाँ की शुरुआत में रिलीजियस था, इट स्टार्टेड मेकिंग एक तरह से कह सकते हो पॉलिटिकल सैटायरिकल पेंटिंग्स, समझ रहे। तो उस समय जो ब्रिटिशर्स के कारण जो इन्फ्लुएंस में सोसाइटी में चेंजेज आए थे, उन सब इमेज को सैटायरिकल वे में कैप्चर करता था ये कालीघाट पेंटिंग। तो ये इवोल्यूशन हुआ था कालीघाट पेंटिंग का। समझ में आ गया, कालीघाट पेंटिंग ब्रिटिशर्स के अंदर। अब अगर एक जनरल सवाल अगर मैं ये पूछ दूं कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या क्या पेंटिंग में चेंज हुआ, तो कालीघाट पेंटिंग का भी ये चेंज मेंशन होगा, राइट, बिकॉज इट इज इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। अब नेक्स्ट आ जाओ आर्ट ऑफ मतलब राजा रवि वर्मा। तो मैंने जब ऑयल पेंटिंग लाए थे ब्रिटिशर्स, तो राजा रवि वर्मा ने क्या किया कि ट्रेडिशनल एवं कॉन्सेप्ट और थीम वो सारा क्या रखा, इंडियन। मतलब ऐसा नहीं कि ब्रिटिशर्स को बनाना है, थीम अभी भी मतलब इंडियन रहेगा, बट पेंटिंग का स्टाइल उन्होंने मॉडर्न कर दिया, पर्सपेक्टिव शेडिंग, और ऑयल पेंटिंग बहुत हाई क्वालिटी का बनाया, ठीक है। It was both modern and at the same time Indian. Themes were from the Indian mythology, लेकिन they were painted in the new modern form, मतलब perspective, shading, oil, तो बहुत high quality का painting राजा रवि वर्मा ने उस period में बनाया है, ठीक है, और काफी ये popular भी रहा, ठीक है, एक time पे राजा रवि वर्मा का painting काफी famous रहा है। तो जब ये होने लगा तो शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई अवनींद्रनाथ टैगोर के लीडरशिप में इसका रिवोल्ट होना शुरू हुआ, खास करके राजा रवि वर्मा का जो पेंटिंग था उसके क्रिटिसिज्म में, कि उसका ये अवनींद्रनाथ टैगोर का ये मानना था कि इंडियन थीम्स और इंडियन इसको पर्सपेक्टिव को इंडियन स्टाइल, जो ट्रेडिशनल हमारा स्टाइल है उसी में बनाना चाहिए, दैट कैन क्लियरली कैप्चर, और अंग्रेजों को नकल करना जरूरी नहीं, तो नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट भी तुम बोल सकते हो, राइट। तो अंडर द नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, शांति निकेतन में ही स्टार्टेड अ मूवमेंट जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट भी बोलते हैं। इट वॉज अ रोमेंटिक नेशनलिस्टिक काइंड ऑफ रिवाइवलिस्टिक काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, जहाँ फोकस ये था कि मॉडर्न मतलब ब्रिटिश इंपैक्ट को हटाकर ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल में ये बनाए जाए, पेंटिंग्स बनाए जाए। खासकर ये भारत माता का जो फोटो है जिसमें भारत माता को गेरुआ कलर के कपड़े में चार पांच हाथ के साथ दिखाते हैं, दैट हाँ झंडे के साथ, दैट वाज एक्चुअली पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो वो स्टार्ट हुआ यहाँ पर।
और इसको अगर ब्रॉडर मूवमेंट में देखोगे तो ओवरऑल एक एशियन आर्ट मूवमेंट उस वक्त चल रहा था जिसमें जापान और ये सब भी कंट्रीज एंगेज थे एंड दे ऑल वेर ट्राइंग टू प्रोटेस्ट इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग कि ब्रिटिश इम्पैक्ट जो है जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है पेंटिंग का वो कम किया जाए. तो यू कैन सी इट ऑल्सो एज इन द फॉर्म ऑफ कि एशियन आर्ट मूवमेंट से इसको लिंक करके भी देख सकते हो. ठीक है, तो एशियन आर्ट मूवमेंट मतलब ब्रॉडर सेंस में हो गया उसका एक एक तरह से ये सोच सकते हो कि सब ब्रांच इंडिया का ये हो गया. राइट, तो उन लोग का ये कहना था कि शांति निकेतन इसका हब बन गया था और बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटर्स जो हैं उस टाइम पे इस स्टाइल में पेंटिंग किए. ये क्लियर है? इसके बाद एक लास्ट है कलकत्ता ग्रुप. ठीक है, कलकत्ता ग्रुप कुछ नहीं है, 1943 में खतरनाक फेमाइन आया बंगाल में और उसके इन्फ्लुएंस में मतलब पेंटर्स हो गए मोर रियलिस्टिक, मोर सराउंडिंग ओरिएंटेड. लगता है कि तुम साला भारत माता का पुराना टाइम का फोटो बना रहे हो, यहाँ साला लोग भूखे मर रहे हैं, कहाँ तुम खोए हुए, कौन दुनिया में खोए हुए. राइट, तो मोर रियलिस्टिक मोर करेंट बेस्ड पेंटिंग बनना शुरू हो गया एंड इट वॉज रिजेक्शन ऑफ वही कि रोमेंटिसिज्म से बाहर आओ, जो रियलिटी है उसको फेस करो और उस तरह का पेंटिंग बनाओ. ठीक है, तो इट वॉज अंडर द कलकत्ता ग्रुप. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था तुमको ब्रिटिश का इम्पैक्ट ऑन द पेंटिंग. ऐसा चल लास्ट वाला खास करके तुम एक तरह से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन ए रिएक्शन टू ब्रिटिश इम्पैक्ट. राजा रवि वर्मा वॉज पॉजिटिवली इम्पैक्टेड बाई ब्रिटिश इम्पैक्ट. ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं विच यू कैन मतलब अंडरलाइन. ठीक है, ये वक्त था ब्रिटिश इम्पैक्ट ऑन इंडियन पेंटिंग. तो आई होप कि ये पार्ट भी हमारा क्लियर होगा. तो पेंटिंग में हमने वॉल पेंटिंग देख लिया, फोक पेंटिंग देख लिया, ब्रिटिश इम्पैक्ट देख लिया एंड मिनिएचर पेंटिंग भी देख लिया. ठीक है, तो पेंटिंग सफिशियंट है, बहुत सारा नेट पे सर्च करोगे ढेर सारा पेंटिंग मिलता रहेगा. मतलब कितने कहाँ तक लिमिट है, वेयर इज द लिमिट. तो इतना अगर तुमको पता है तो यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट सेल थ्रू. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. तो ये ठीक है, यहाँ हम लोग इसको रोक देते हैं.